फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं प्रोनाउन के कॉमन एरर्स। ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत कॉमन एरर्स हम प्रोनाउन के बारे में हम करेंगे, ज़्यादा ही थोड़े बहुत करेंगे। उसके आगे मैं वीडियो अलग अलग इनके एग्जांपल्स की मैं डालूंगा। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए वीडियो अलग से डालूंगा। इसके अंदर जो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, वो ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ज़्यादातर एग्जाम्पल है कॉमन एरर के। वी हमें देखो पहचानना होता है कि कौन से प्रोनाउन के लिए, कौन से प्रोनाउन के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव या कौन सा वर्ड यूज होता है, हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। जैसे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट है राम, राम हैज हर्ट हरसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव का ध्यान रखो, रिफ्लेक्सिव का आपने ध्यान रखना है जब सब्जेक्ट अपने ऊपर कार्य करे, जब सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करे, अपने ऊपर काम करे तब क्या जाएगा वो, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करता है, जब सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करता है। तो यहाँ पे राम हैज हर्ट हरसेल्फ नहीं आएगा, इट इज एन एरर, ये एक एरर है, हरसेल्फ नहीं आएगा। हर आता है फीमेल के लिए, राम, राम एक मेल है तो हर की जगह क्या जाएगा, हिमसेल्फ बन जाएगा, हर की जगह हिमसेल्फ बन जाएगा, हर की जगह हिमसेल्फ बन जाएगा, ये इसका राइट पॉइंट है, हर की जगह हिमसेल्फ बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी है जब सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करता है, जब सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करे, जब सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करे तो, जब सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो सेल्फ वाली चीज आ रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की है, ये सब्जेक्ट से रिलेट होती है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। और हम क्या करेंगे, हर सेल्फ की जगह हिम सेल्फ लगाएंगे, हर सेल्फ की जगह हिम सेल्फ लगाएंगे। उसके बाद में सेकंड जो अपना एग्जांपल है, द बेबी हैज फॉलन हिमसेल्फ, द बेबी हैज फॉलन हिमसेल्फ। तो बेबी, बेबी क्या है, कॉमन वर्ड है, बेबी क्या है, ये एक कॉमन जेंडर है, बेबी है अपना एक कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर के लिए, कॉमन जेंडर के लिए हम इट का यूज करते हैं, कॉमन जेंडर के लिए हम इट का यूज करते हैं, स्पेशली बेबीज के लिए, जो बेबी है या फिर अपने चाइल्ड है, इस तरह के जो मतलब एग्जाम्पल्स है उसके लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। डॉक्टर टीचर के लिए नहीं करेंगे, डॉक्टर टीचर के लिए हम इट का यूज नहीं करेंगे, बट बेबी और चाइल्ड के लिए हम इट का यूज करेंगे। तो द बेबी हैज फॉलन, यहाँ पे हिमसेल्फ, इंस्टीड ऑफ हिमसेल्फ वी शैल पुट, इंस्टीड ऑफ हिमसेल्फ वी शैल पुट इटसेल्फ, इसका सही क्या होगा, इटसेल्फ होगा, क्योंकि बेबी के लिए हम किसका यूज करेंगे, इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखो somebody, somebody is crying themselves, somebody is crying themselves, somebody is crying, somebody is crying, is crying themselves। तो somebody, somebody मैंने आपको जब कल इनडेफिनेट प्रोनाउन करवाए थे, कल जो पिछली वीडियो के अंदर हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन किए थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि someone, somebody, जिसके साथ में वन और बॉडी लग जाता है उसके साथ में हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसके साथ में हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे themselves की जगह, themselves की जगह क्या आएगा, himself आ जाएगा, themselves की जगह himself आएगा, इसका आपने स्टूडेंट ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, द प्लेयर लॉस्ट द मैच themselves, द प्लेयर लॉस्ट द मैच themselves। तो देखो themselves कोई वर्ड होता नहीं है, themselves कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये प्लूरल, ये प्लूरल है, तो इसका themselves का themselves बन जाएगा, themselves का themselves बन जाएगा, themselves कोई वर्ड नहीं है, themselves कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि self जो है, them क्या है, प्लूरल, उसके साथ self ना आते हुए selves आएगा। उसके बाद में आगे प्रोनाउन है, ये वन वे प्रोनाउन है, हमारे लिए यूज होता है, हमारा जो हम बात करते हैं वी की, तो वी जैसा ही है, वन वन वे प्रोनाउन है, वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री, जब सब्जेक्ट वन है, जब सब्जेक्ट वन है तो उसका जो भी प्रोनाउन है वो वन से ही रिलेटेड रहेगा, जो भी उसका प्रोनाउन है वो वन से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये क्या है, पोजेसिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ में नाउन लगी हुई है, तो उसमें नाउन है तो ये एडजेक्टिव है।
neither of the girl, neither of the girl. तो neither of आ गया इसके साथ, मैंने आपको बताया था neither of आ गया इसके साथ, मैंने आपको बताया था जो noun है, noun है वो क्या होगी, plural. Noun इसके साथ plural, girl नहीं आएगा, girls आएगा, ये आप यहाँ लिखते हैं, क्योंकि neither of the girl नहीं आएगा, neither of the girls आएगा. मतलब बहुत सारे लड़कियों में से आप, दो लड़कियों में से, नीदर का यूज होता है दोनों में से कोई नहीं, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं. तो यहाँ गर्ल सिंगल गर्ल नहीं है, प्लूरल होगा यहाँ पे टू गर्ल्स होंगी. तो नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, नीदर ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट, ये इसका सही एग्जाम्पल बन जाएगा. देन अगले एग्जाम्पल की चलते हैं, नो वन शुड अप्रेस दियर नेबर. तो नो वन बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया था कि बॉडी लग जाए, वन लग जाए, तो उसके लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, वी प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो नोन शुड अप्रेस, यहाँ पे डियर कंट्री नहीं आएगा, यहाँ पे हिज कंट्री आएगा, डियर कंट्री नहीं आएगा, हिज कंट्री आएगा. इसमें हम टू एग्जाम्पल्स अपने एक साथ कर रहे हैं, इसमें एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स भी हो रहे हैं साथ साथ, एडजेक्टिव के और प्रोनाउन के दोनों के एग्जाम्पल साथ साथ हो रही है. देखो यहाँ पे नो वन था, मैंने आपको बताया था बॉडी और वन लग जाए तो उसके लिए हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं. आगे ईच ऑफ द फाइव गर्ल्स स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ईच नहीं आएगा, यहाँ पे एवरीवन आएगा. ईच आता है टू के लिए, ईच ऑफ द टू, ईच ऑफ द टू, टू के लिए ईच आएगा. मोर देन टू हो, मोर देन टू हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एवरीवन लगाएंगे. मोर देन टू हो तो हम ईच की जगह एवरीवन लगाएंगे, ये इसका रूल है. ईच की जगह क्या आएगा, एवरीवन आएगा. स्टूडेंट्स ये जो मैंने एग्जांपल्स उठाए हैं, ये कंपटीशन के पेपर्स में आए हुए एग्जांपल्स हैं. ये एग्जांपल्स जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये कंपटीशन के पेपर में आए हुए एग्जांपल्स हैं, विभिन्न परीक्षाओं के बहुत पुराने हैं, जो शुरुआत हुई थी, मतलब ऐसे नहीं कह रहे कि शुरुआत हुई थी, कि आज से काफ़ी साल पहले के, आज से काफ़ी साल पहले के, जब लेवल इतना हाई नहीं होता था एग्जाम का, तब के ये एग्जाम्पल्स हैं. ये परीक्षाओं में से ही लिए गए एग्जाम्पल्स हैं, वही एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. इसमें ईच, ईच की जगह क्या आएगा, एवरीवन, ईच की जगह आएगा एवरीवन, ईच की जगह स्टूडेंट्स यहाँ पे एवरीवन आ जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ फाइव है. हाँ अगर यहाँ पे टू होता तो टू के लिए ईच का यूज होता है, टू के लिए हम यूज करते हैं ईच का. बट यहाँ पे मोर देन टू है, चाहे थ्री है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितने मर्जी हो, उसके लिए एवरीवन आएगा. देन राज एंड राम, राज एंड राम टू पर्सन हो गए, राज एंड राम टू पर्सन है, तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, क्योंकि राज और राम प्लूरल हो गए. एंड क्या करता है, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाता है, तो राज है और एक राम है, तो व्हाट वी शैल पुट, वी शैल पुट डियर, ये प्रोनाउन का यूज होगा. तो यहाँ पर हम लगा देंगे डियर, एक में अपने हिज की जगह हम क्या लगा देंगे, डियर लगा देंगे, हिज की जगह हम डियर लगा देंगे. यहाँ पे ये प्रोनाउन का यूज होगा, क्योंकि राम और राज जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे. इसके बाद में इट वॉज हिम हु बिगन टू क्वेरल, इट वॉज हिम, इट वॉज हिम नहीं आएगा यहाँ पे, हु आएगा, क्यों, अपने ही आएगा, क्योंकि हु से जस्ट पहले, हु से जस्ट पहले, हु रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, हु से जस्ट पहले, हु हुज हुम, इनसे जस्ट पहले जो प्रोनाउन आता है दैट मस्ट बी सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए. देखो रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है तो रिलेटिव क्लोज से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन कह लो, रिलेटिव क्लोज कह लो, उनसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हिम नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आएगा. तो यहाँ पे हिम की जगह क्या आएगा, ही आ जाएगा, हिम की जगह यहाँ पे ही आ जाएगा. अंजू इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, अंजू इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, ये कौन सी आ गई, ये कंपैरेटिव है स्टूडेंट्स, ये है कंपैरेटिव, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया, कंपेयर हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है. तो कंपैरेटिव डिग्री में स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि देन, देन आ जाए, देन के बाद में ऑब्जेक्टिव ना आकर सब्जेक्टिव आएगा, देन के बाद में ऑब्जेक्टिव ना आकर सब्जेक्टिव आएगा. हम यहाँ पे हिम की जगह क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही लगाएंगे. और हो सकता है कि यहाँ पे इज है तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे भी इज लगा दो, ये भी सही है, ये भी सही है. और
अपने जो ही से आप सेंटेंस फिनिश कर दोगे तो ही भी सही है। कई बुक्स में ही के अंदर यहाँ पे सेंटेंस को स्टॉप किया हुआ है, कई बुक्स के अंदर यहाँ पे ही के साथ में मतलब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब भी लगाई होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही या ही इज, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ में चाहे आप वर्ब लगा दो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लगा देंगे तो वो सेंटेंस भी सही कंसिडर किया जाएगा। देन मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, Between you and I, तो स्ट्रेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, बिटवीन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, बिटवीन के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो यू के बिल्कुल सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, इट इज क्लियर, ये तो क्लियर है। बट यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई की जगह नहीं आएगा, यहाँ पे आई की जगह नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बिटवीन के बाद में, बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो यहाँ पे आई की जगह नहीं आएगा, कॉमा लग गया, कॉमा के बाद में ही इज है थीफ, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में ईच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन बुक, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, ईच के लिए हम किसका करेंगे, और यहाँ बॉयज यहाँ पे मतलब क्या, सिंगुलर के लिए यूज होगा, तो जो चीज यहाँ पे है उसका सिंगुलर प्रोनाउन हम लगा देंगे, तो देयर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिज आ जाएगा, देयर की जगह यहाँ पे हिज आ जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रोनाउंस के, एडजेक्टिव के, स्पेशली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ज्यादातर एग्जाम्पल्स यहाँ पे थे जो परीक्षाओं में या ट्वेल्थ क्लास के लिए, ट्वेल्थ क्लास क्योंकि अब लिटरेचर का पेपर होने वाला है, तो उसमें ये जो रूल्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर मतलब अपने क्या काम में आएंगे, क्योंकि प्रोनाउन का एग्जाम्पल जो है पूछ लेते हैं एग्जामिनर कभी कभार पेपर के अंदर, तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कर लेंगे, हो सकता है कि एग्जाम्पल्स वो इन्हीं में ही मिल जाए। तो एक बार इतने ही एग्जाम्पल्स करेंगे, रिलेटिव क्लॉज की वीडियो, रिलेटिव प्रोनाउंस की वीडियो आपको अलग से डाल के देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की जो वीडियो आपको अलग से डाल के देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्वेल्थ लिटरेचर के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जरूर एक आधा क्वेश्चन पूछता है रिलेटिव क्लॉज से, और कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैं उनके अंदर, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो है उनके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन के जो रूल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछ लिए जाती हैं। तो आज के लिए केवल ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे तो कोशिश की गई है कि पूरा आपका जो प्रोनाउन टॉपिक है वो सॉर्ट आउट हो जाए। इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैंने जिक्र किया, उसके बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जिक्र किया, उसके बाद में जिक्र किया सब इनडेफिनेट प्रोनाउन का जिक्र किया, तो ये जो कुछ प्रोनाउंस हैं वो आप स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक करोगे, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ हम आज का काम फिनिश करते हैं, अगली वीडियो के अंदर आपको रिलेटिव क्लॉज के कुछ ट्रिक पर, रिलेटिव क्लॉज की वीडियो कुछ ट्रिक पे बना के देंगे, जिसके लिए आपको फाइंड आउट, एरर फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू।